हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज अभी टाइम हो रहा है 12, तो अभी एक बार अर्थक्वेक आ चुका है। मुदस्सिर भाई, आपको कैसा डर लगा कि नहीं? बहुत ज्यादा डर लगा भाई। मैं ऐसा है खुद वो कसम तो से पर्सनली मैं खुद डरा हुआ हूँ अभी भी। तो अभी बताया जा रहा है कि 12 बजे आएगा, तो 12 बजे सभी बच्चे बाहर निकल गए, हम भी बाहर निकले जा मतलब बाहर निकल रहे हैं। तो पहले सबको बाहर निकाल लेते हैं, मैक्सिमम बच्चे निकल गए, चलते हैं बाहर। दहशत फैली हुई है कसम से, पहले एक बार आ चुका है, अब फिर से आने वाला है, दिखाते हैं आपको। बहुत पेट में दर्द है, फिर भी हम बाहर आ गए, तो दिखाते हैं आपको। बच्चे डरे हुए हैं इधर। क्या कर रहे हो अभी यहाँ पे? डर गए भाई हम। बाहर वेट कर रहे हो अर्थवेग का? एक यस बार आ चुका है, ये सब बच्चे बेचारे बाहर आ गए हॉस्टल से। तो ये ये हमारे शुभम भाई है। ठंड इतनी लग रही है कि फिर भी हम बाहर आ गए। इधर देखो, टाइम हो रहा है 12, और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ नीचे चले गए। अर्थक्वेक आने वाला है। अब चलते हैं थोड़ा नीचे शिवालिक को, उसमें तो रात पूरी सोना नहीं, ऐसा बताया जा रहा है, बोला भी जा रहा है। टीचर हमारे आए थे यहाँ पे, वैसे बताया आपको बता दें, हम सारे टीचरों में से हमारे जो चंद्रकांत सर हैं, वो हमारे लिए हर जगह हमारे लिए पहुंच जाते हैं। मैंने तो ऐसा कोई टीचर देखा नहीं, हमारे लिए बेस्ट टीचर चंद्रकांत सर ये हैं। तो है भाई, ये तो है। वो इस टाइम अभी भी इस चंद्रकांत हालत में सर भी दौड़ कर सोए हुए पहुंचे हैं थे। एक कमीज में, इतनी ठंड में चंद्रकांत सर हमारे लिए यहाँ पे, हमारी हेल्प करने के लिए, हमें बाहर निकालने के लिए यहाँ पे आ चुके थे। और अभी भी अभी भी बोल रहे हैं 12 बजे फिर आएगा, 12 बजे आएगा। अभी हम उन्होंने वेट कर रहे हमें हैं। बताया, क्योंकि हमें नहीं पता था, चंद्रकांत सर ने बताया ये सब बच्चे निकल गए बाहर। नीचे चलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं। हमारे जो चौकीदार हैं वो नीचे हैं वो खड़े हुए। हॉस्टल के बच्चों की तरफ देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं ओ किस वो देख तरह। सकते हो आप। आपको नीचे अब लेके आप चलते नीचे हैं लेके जूनियर जाते हॉस्टल हैं। पे। ये देखिए आप, बच्चे डरे हुए सारे। इधर लाओ फोन, इधर लाओ। ये देखो ये सारे बच्चे, माँ किरा करा उल्टा किरा करा फोन ना। ये देखो ये सारे बच्चे, देखो आप बाहर निकल गए सारे जूनियर हॉस्टल के बच्चे हैं ये। वाह, ब्लॉग में ये हमारे बिलाल साहब हैं और बिलाल साहब हैं, ये हमारे जो चौकीदार साहब हैं, खड़े रहते हैं यार। क्या ही बताएं, इन्होंने तो आज बहुत किया हमारे लिए। इस टाइम जो है दहशत का माहौल है। इधर बिलाल भाई से हम पूछेंगे, बिलाल भाई जो पहले अर्थक्वेक आया है, कितने बजे और कैसा आपको फील हुआ उसमें? 10 बज के 15 मिनट की रेंज पे आया, बहुत ज्यादा मतलब 7.7 मैग्नीट्यूड का। अच्छा, तो अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है सर से कि इससे ज्यादा आ सकता है, तो आप जो हॉस्टल है उससे बाहर आ जाइए और ग्राउंड में आ जाइए। बच्चों को भी बाहर निकाल दिया है इंजीनियर ने। हम अभी जूनियर हॉस्टल आए हुए हैं, तो बच्चों को बाहर निकाला आके, तो आप अलर्ट हो जाइए सभी अपने अपने घरों से, मतलब थोड़ा बाहर जो बिल्कुल प्लेन जगह है उस पे आ जाए। तो जो अभी पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको हम बता देंगे कि आपके जो बच्चे हैं वो सेफ हैं, बाहर हमने निकाल दिया इनको, तो कोई टेंशन नहीं आपने लेनी, खुश रहें। उनकी सेफ्टी के लिए मतलब हम सीनियर लोग जो हैं यहाँ पे आए, ठीक है। तो बाकी आप सेफ हो के नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है आपको। तो भैया जो अर्थक्वेक आया तो आपको पता होगा, और आप कहाँ थे, मतलब कैसा हुआ ये अर्थक्वेक? आज 10:15 आया, 10:17 पे। तो हम सारे उस हॉस्टल में थे, तो बेड वगैरह हिले सब कुछ, तो हम सब बाहर आ गए। जूनियर हॉस्टल में हम आए, यहाँ पे एक बार आ चुका अर्थक्वेक, लेकिन अब बताया जा रहा है न्यूज़ से कि 12 बजे फिर से आएगा। हम यहाँ पे जूनियर हॉस्टल आए, बच्चों को बाहर निकाला हमने ग्राउंड में। तो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं वो प्लीज़ टेंशन मत कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं बिल्कुल सेफ हैं, इनको हमने बाहर निकाल दिया ग्राउंड में। तो अब 12 बज चुके हैं, तो देखते हैं आज अर्थक्वेक, वैसे लग रहा है आ जाएगा, लेकिन हम दुआ करेंगे ना आए। तो बस आप खुश रहें और दुआ करें कि अर्थक्वेक ना आए। तो बाकी नमाज और बढ़े ना, इश्क करें, मजे करें। आवाज ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि जो है ना अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, किसी टाइम भी आ सकता है। तो इसलिए मेरा ये आखिरी भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, उसका वो पता नहीं होता यार, है ना।
है ना, तो बच्चों को हमने अंदर बांट दिया है ऐसे बोल सकते हैं, अंदर भेज दिया है ना, अंदर भेज दिया यार। बाकी यार अल्लाह पे भरोसा रखे, दुआ करते हैं खुदा से कि ऐसी कुछ नौबत ना आए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, तो अता फरमाए आमीन। तो बाकी सीनियर्स भी थोड़े बहुत बाहर ही हैं, अंदर भी जा रहे हैं। 12 बजे का बोला था, पहले मैंने शूट करना था, लेकिन तब इतना डर खौफ था मुझे, होश ही थी कि मेरा फोन कहाँ है, कसम से है ना, मतलब होश ही थी, जान की पड़ी हुई थी अपनी, बाहर निकल गया, मेरा फोन ही अंदर पड़ा, मैंने फोन की छोड़ो जान की परवाह। तो यार बाहर आए, घर फोन किया, पहले तो टावर ही जाम हो गए सारे नेटवर्क नहीं आ रहा था। बाकी यार खुश रहो, ऐश करो, मजे करो, दुआ करना कि सबकी जिंदगी में कोई ऐसा तूफान ना आए जिसकी वजह से जैसे तुर्की में आया। फाइनली आ चुके हैं हम हॉस्टल में, तो ये बच्चे डर से पहले बाहर थे, अब इनके फेस पे छोटी छोटी स्माइल आ रही है। डाइट खा रहे हो आप? आपको कैसा फील हुआ जब अर्थक्वेक आया था, डरे थे आपके नहीं, बताओ बताओ बताओ। डरे तो नहीं थे हम, जिंदगी में मजे ले रहे हैं। बाहर गए, अच्छा तब तक मजे खत्म हो गए। देखो इतने प्यारे बच्चे हैं, अभी इनको पता है कि अर्थक्वेक आ सकता है, इनको सोना नहीं है, पढ़ रहे हैं बैठ के। देखो तो मैंने एक जस्ट ऐसे ही व्लॉग बनाया, इसको ये मत लेना कि बंदा फालतू है ऐसे व्लॉग बना रहा, बस ऐसे बनाया कि आपके जो बच्चे हैं, आपके भाई बहन जो भी इधर पढ़ता है सब सेफ हैं, क्योंकि हम टाइम से जब ऐसा न्यूज में बताया जा रहा था कि अर्थक्वेक जो है वो 12 बजे आएगा, तो हम सब ग्राउंड में आ गए, हम वापस अंदर जा रहे हैं, तो मतलब रेडी हैं, हम बाहर आ जाएंगे। तो बाकी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो बस मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।